yesterday in list 2 items. Hey guys, hello everyone. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक लंबे समय से VLOOKUP पर कई ट्यूटोरियल्स करते आ रहे हैं और सारे ट्यूटोरियल्स का आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा, पहुंच रहा होगा। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मेरा मतलब माइंड के मैं जो बेस्ट होता है वो आपको डिलीवर करती हूँ। तो VLOOKUP में अदर शीट में कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं, हम आंसर गेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। सेम शीट में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और ये भी बात है कि VLOOKUP थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा। अब VLOOKUP की बात करें तो इसमें एक और तरीका होता है कि जैसे कि हम लुकअप वैल्यू देते हैं, फिर कॉमा करते हैं, फिर हम शीट का नाम या शीट नंबर देते हैं टिक में और एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, फिर हम जब टेबल एरे देते हैं, टेबल एरे ना दे के कॉलम रिलेशनशिप दे देते हैं। जैसे मान लो दे दिया ए कोलन ई, तो बस एक जस्ट रिलेशनशिप दे दिया करते हैं और ए कोलन ई करके फिर कॉमा करने के बाद एप्रोक्स के लिए वन और यानी ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए यानी एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो देंगे, राइट पैरेंट देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, इक्वल भी लुकअप करके लेफ्ट पैरेंट करके हमने लुकअप वैल्यू, फिर हमने क्या लुकअप वैल्यू के बाद दिया हमने कॉमा करके, फिर हमारा टिक में हमारा शीट नेम या शीट नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर कॉमा किया हमने, फिर हमने एक रिलेशनशिप डाल दिया। टेबल एरे नहीं दिया तो जैसे ए कोलन ई ऐसे करके दे दिया, फिर कॉमा किया और फिर हमने ज़ीरो या वन या फॉल्स या ट्रू लिखा, राइट पैरेंट एंड कंट्रोल एंटर। ये एक तरीका है जो बहुत अच्छे से आप लोग VLOOKUP को समझ गए होंगे। मैंने अलग अलग बहुत सारे तरीकों से आपको समझाया है ना। तो जब एक कॉलम रिलेशनशिप दिया था, जो हमने ज़ीरो या वन से पहले ए ई उसी के जब हमने कॉमा किया है तो हम जैसे 2, 3, 4 जो भी हमें जानना है, चाहे हम सैलरी या कुछ भी या 5 जिसको जितने जो भी हमें जानना है जिस एम्प्लॉय का, वो हम कॉलम देंगे वहाँ पर, फिर कॉमा करके तभी ज़ीरो बंद करके राइट पैरेंट करके एंटर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एच लुकअप का मतलब होता है लुकअप करना, लेकिन कैसे, होरिजेंटली लुकअप करने का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें क्या था, अप टू डाउन चल रहा था सब, यानी वर्टिकली चल रहा था, कॉलम वाइज। और इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जो डेटा होगा उसको लुकअप करेगा। वो कैसे दिया जाता है, उसमें रो के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, कैसे, रो के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि हम वहाँ पे टेबल एरे देते हैं, जब शीट जैसे भी रिलेशनशिप की बात करके ना करें, और जितना भी लुकअप बताया मैंने, टेबल एरे बताया आपको वहाँ पर, तो टेबल एरे जैसे कि हमने वहाँ पे A2:C11 दिया था, तो इस तरह से ना करके हम यूँ कर सकते हैं, जैसे कि आपको बता दूँ मैं, जैसे कि A1 एक मिनट A1:C11 मतलब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, उसमें रो वाइज दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, रो वाइज दिया जाएगा। वैसे समझाऊंगी जो समझ में नहीं आएगा। तो लुकअप करेंगे हॉरिजॉन्टली एच लुकअप, और कैसे होता है, क्या होता है, ये अब हम ज़्यादा सीखेंगे, और ये हम सीखेंगे मंडे से। जितना मैंने आज तक आपको सिखाया है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।